हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल मैगी मसाला। वो जो स्ट्रीट पे हम जाके खाते हैं ना, टैंगी और स्पाइसी मसालेदार मैगी, वही मैगी आज हम बनाएंगे घर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया है। आप कोई भी पैन ले सकते हैं और उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। जब ऑयल गर्म हो गया तो अब मैं इसमें डालूँगी गार्लिक। 6-7 गार्लिक क्लोव लिए हैं जिसको मैंने चॉप कर लिया है। इसमें गार्लिक का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। साथ में मैंने लिए है 2 हरी मिर्च बारीक काट के। मेरी जो हरी मिर्च है वो ज़्यादा तीखी नहीं है। 1 मीडियम साइज प्याज लिया है, चॉप कर लिया है। उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है। और अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च 1 मीडियम साइज चॉप। उसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगी हम इसमें मिलाएंगे टमाटर 2 मीडियम साइज चॉप्ड। इसको भी मिक्स कर लेंगे। और टमाटर के ऊपर हम मिलाएंगे नमक ताकि वो जल्दी से गल जाए। इसको मिला के हम 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे ताकि टमाटर मैशी हो जाए। चलिए इसको ढक देते हैं। और अब 5 मिनट के बाद हमने देखा कि हमारे टमाटर एकदम गल गए हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब हम इसमें मिलाएंगे अपने सूखे मसाले। गरम मसाला 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया का पाउडर मैं इसमें 1.5 चम्मच लिया है। इसमें थोड़ा धनिया का पाउडर ज़्यादा डलता है। भुने जीरे का पाउडर 1 टीस्पून। इस सबको हम मिला लेंगे अच्छे से। और जब हमारा मसाला एकदम भुन जाएगा, तेल छोड़ देगा, तब हम इसमें मिलाएंगे पानी। मैंने 2 गिलास पानी लिया है। मैं 2 पैकेट मैगी बना रही हूँ, 1 पैकेट के लिए 1 गिलास पानी लिया है। अपनी मैगी के पैकेट हम इसमें डाल देंगे नूडल्स। और इसको हम मिलाएंगे इसमें मैगी मसाला। जो मैगी के पैकेट के अंदर मसाला आता है ये वही मसाला है, इसको हम डाल देंगे और अच्छे से कर लेंगे मिक्स। इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। अब देखिए हमारे नूडल्स अलग अलग हो गए हैं, तो हम इसको मसाले में मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसको खोल के ही पकाएंगे जब तक मैगी गल नहीं जाती, सॉफ्ट हो जाएगी तब तक। और अब हम इसमें मिलाएंगे 1 टीस्पून शेजवान सॉस। जो स्ट्रीट स्टाइल मैगी है उसमें इससे तीखापन आता है। अगर आपको तीखापन नहीं पसंद है ज़्यादा तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। स्ट्रीट में जो मैगी मिलती है वो थोड़ी गीली गीली सी होती है। इस स्टेज पे हम इसको सर्व कर सकते हैं, उसी तरह से होती है। लेकिन मुझे थोड़ी सूखी पसंद है इसलिए मैंने इसको थोड़ा भून लिया है। हमारी मैगी अब एकदम रेडी है, तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। गर्मा गर्म मैगी हमारी तैयार है खाने के लिए। इसको हम निकाल लेंगे और फटाफट खा लेंगे। ये इतनी टैंगी और स्पाइसी मैगी होती है ना कि मज़ा आ जाता है इसको खा के। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। फिर मिलूंगी मैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक थैंक यू, बाय बाय।